हेलो हेलो हेलो. सो आज हम बात करेंगे अबाउट इवेंट्स. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइडलाइन. रिसेंटली मैं कुछ इवेंट्स कर रहा था और ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से मैंने इवेंट्स में काफ़ी काम किया और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि इवेंट्स को कैसे कवर करें. एंड इट्स रियली टफ मैन. बहुत मुश्किल होती है अगर आप चीज़ों को ध्यान ना रखें. एंड आई एम श्योर अगर आप कवर कर रहे हैं तो यू सब्सक्राइब with me. So basically what I realized in these 6-7 months is, first aapko ek team ki zarurat hai. You need to have a team, at least two, three log aapke paas saath hone chahiye jo aapko is event ko cover karne mein help kare. Now aisa nahi hai ki aap akele cover nahi kar sakte, but agar ye aapki ek team hogi to aap bahut achhi tarah se uska output nikal sakte hain. Vishesh taur se jis tarah ke events main kar raha tha उसमें एक टीम की वाकई ज़रूरत है. एटलीस्ट एक एडिशनल कैमरामैन, आप अगर खुद वीडियो कर रहे हैं तो आपके साथ हो, एक फ़ोटोग्राफ़र हो ताकि उसके स्टिल्स अच्छे से निकल सकें, क्योंकि बार बार आप फ़ोटोज़ और वीडियो मोड पे स्विच करने के बजाय बेटर है कि आप अपने साथ किसी फ्रेंड को जो कि फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, जिसको फ़ोटोग्राफी आती है, या एक फ़ोटोग्राफ़र आप हायर करें ताकि आप उस इवेंट को कवर कर सकें. सेकेंडली, फाइंड द राइट स्पॉट. बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर स्पॉट पर हों, क्योंकि यू नो, जब आप इवेंट कवर कर रहे हैं और अगर आप उस पर्टिकुलर स्पॉट पर नहीं हैं जहां पर आपको होना चाहिए, तो आपके साथ हो सकता है कि वो शॉट आपको ना मिल पाए और क्लाइंट जो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आपके फुटेजेस में वो सारी चीज़ें निकलें, और अगर वो नहीं निकली तो दैट विल बी रियली डिसअपॉइंटिंग और आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं होगा. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इवेंट पे बहुत पहले चले जाएं, जब इवेंट शुरू होने वाला है आप उससे पहले चले जाएं ताकि आपको वो स्पॉट बनाने में आसानी हो. अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप रिहर्सल उसकी हो रही हो, तो आप उस रिहर्सल का भी पार्ट बन जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मूव होने वाली है, कौन से लोग कहाँ पे जाने वाले हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इवेंट में सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो जिसके पास टाइम कम है, तो वो लोग पहले से रिहर्सल करने की कोशिश करते हैं ताकि उस पर्सनालिटी को या उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को ज़्यादा देर तक रोका ना जा सके और जो इवेंट है वो जल्दी कंप्लीट हो सके. अगर आप रिहर्सल का पार्ट बनते हैं तो आपको पता होगा कि आप एग्जैक्टली किस स्पॉट पर आपको रहना है. सो फाइंड द राइट स्पॉट. थर्ड, बी अ मैन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी द मैन ऑफ दैट इवेंट, क्योंकि और आप अपना ग्राउंड होल्ड करके रखें, क्योंकि बहुत सारे इवेंट में मैंने देखा कि मीडिया भी आता है और उनके भी अपने कैमरामैन रहते हैं, उनके भी अपने फोटोग्राफर रहते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली उनके पेपर के लिए, उनके न्यूज़ कवरेज के लिए वो शॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू रुइन योर शॉट. तो हो सकता है कि वो आपके शॉट के बीच में आ रहे हों या आप उनके शॉट के बीच में आ रहे हों. सो आप तालमेल बिठा लें, पहले से उनसे बात कर लें. कई बार बहुत सारे इवेंट्स करते करते लोग आपके फ्रेंड हो जाते हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि भाई मैं ये शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद आप वो शॉट ले लीजिए. बट रिमेंबर दैट आपको क्लाइंट ने हायर किया है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए एंड ही हैज़ पेड यू फॉर दैट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर्टिकुलर इवेंट को जितना अच्छा आप कवर करें उतना कोई ना करें. और इसलिए आप उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर इवेंट के बेसिकली ऑफिशियल कवरेज करने वाले हैं. सो इसलिए आपको उस एटीट्यूड के साथ ही उस इवेंट में एंटर करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिसबिहेव करें या पोलाइट ना रहें,
बट देर आर समटाइम्स चीज़ें होती हैं जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी कैमरामैन को बोलना पड़ा कि डूड मैं पहले शॉट को लेता हूँ, या कई बार विशेष तौर से जब कॉलेज वगैरह इवेंट में होते हैं लोग अपने सेलफोन लेके स्टेज के पास चले जाते हैं, यू हैव टू रिक्वेस्ट दैट पर्सन टू कम बैक, आप अपना शॉट ले लें उसके बाद उसको जो करना है वो कर सकता है. सो बी ए मैन. एंड लास्टली व्हाट आई रियलाइज इज जितने शॉट्स आप ले सकें, जितने जितनी चीज़ें आप कवर कर सकें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इवेंट्स शुरू होने से पहले पहुंच गए हैं तो बहुत सारी डेकोरेशंस आप कवर कर सकते हैं, बहुत सारे यू नो जो तैयारियां जो मेकिंग है अगर किसी चीज़ की आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं या शॉट ले सकते हैं, और पोस्ट इवेंट भी आप रुक के कुछ चीज़ें कवर अप कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ें, अगर विशेष तौर से हम जिस इवेंट को कवर कर रहे थे वो होटल का एक इवेंट था, तो ऑब्वियसली उनका ब्रंच चल रहा था, सो वी ट्राई टू कवर एज मैनी एज डिशेज पॉसिबल, उनके कॉकटेल्स, उनके बूथ्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सजावट की बना के रखी थी वो हम कवर कर सकते हैं. एंड जितनी ज़्यादा आपको कवर करना है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ छूट जाता है तो वो दिक्कत हो सकती है. मेरे साथ चैलेंज ये था कि मुझे एक मिनट का वीडियो एडिट करना था उस पर्टिकुलर सारे शॉट्स को मिला के, एंड दैट वाज रियली चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग. बट मुझे तो इसलिए मेरे दिमाग में यही था कि मैं इस तरह के शॉट्स लूँ ताकि वो एक मिनट के अंदर अगर कुछ फ्रेम्स ही आ रही हैं, ऑब्वियसली कुछ फ्रेम्स ही आ पाएंगी हर शॉट की, तो उन फ्रेम्स को मैं जितना अच्छा ले सकूँ वो कवर कर सकूँ. ऑफकोर्स मेरे टीम मेम्बर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने अब अलग अलग एंगल से उन शॉट्स को कवर अप किया, एंड व्यूअर कम्युनिकेटिंग किया, तुमने वो वाला शॉट ले लिया, एंड ही सेड यस. सो मैंने फिर वो पर्टिकुलर शॉट नहीं लिया ताकि कोई रिपीट चीज़ ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन द डेटा एज वेल, और स्टोरेज का भी इशू है. सो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इवेंट आप बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं. ऑफकोर्स बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं इवेंट में, क्योंकि जब इवेंट हो रहा है बहुत सारी चीज़ें लाइव हैं, बहुत सारी चीज़ें रिहर्सल नहीं करी हुई रहती हैं, चीज़ें मिस हैप होती हैं, बी प्रिपेयर फॉर इट, वो तो होना ही है. और ऑफकोर्स अगर आप पहली बार इवेंट कर रहे हैं तो कुछ वीडियोस पहले से देख के जाएं, कुछ एक्सपीरियंस पहले से कोशिश करें कि उससे पहले कुछ आप अपने लेवल पे कुछ शूट कर लें ताकि आपको पता चले. अगर आप ग्लाइड कैम यूज़ कर रहे हैं, गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको चलाना सीख लें, उसको ऑपरेट करना सीख लें ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके कोई परेशानियाँ हो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन सी या.